वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो ध्यान दीजिएगा, बाय सेलिंग अ पेयर ऑफ इयर रिंग्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क्ड प्राइस और ज्वेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 16%। इफ द प्रॉफिट इज ₹48, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस एंड द प्राइस एट विच द पेयर वॉज इवेंचुअली बॉट। मतलब कि सेलिंग प्राइस ही पूछ दिया है, मतलब पूछ दिया है कि व्हाट इज सीपी एंड व्हाट इज एमपी एंड व्हाट इज एसपी, तीनों पूछ दिया एक्चुअली आपके पास। तो करेंगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं सीपी, यहाँ लिख लेते हैं एमपी और ये हो जाएगा आपका एसपी, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, करेंगे बाई सेलिंग मतलब कि बेच करके एक पेयर ऑफ इयरिंग्स कितने डिस्काउंट पर, 25% के डिस्काउंट पर ऑन द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस के मार्क्ड प्राइस पर जो है 25% डिस्काउंट दे करके बेच करके, मतलब कि यहां पर आपको दे दिया है कि एमपी और एसपी के बीच में डिस्काउंट है आपका 25%। मतलब कि मार्क्ड प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दे दिया गया। अब कह रहा है कि ज्वेलर, एक ज्वेलर जो है मैक्स प्रॉफिट और उसे 16% का फायदा हो जा रहा है, तो 16% का जो फायदा हो रहा है ना, जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी और एसपी में फायदा होगा हमेशा। आप एकदम ध्यान ये बना करके जब जान लो कि सीपी और एसपी के बीच में ही प्रॉफिट और या प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है। तो दे दिया कि 16% का प्रॉफिट हो रहा है सीपी और एसपी में, मतलब कि यहां पर लिख सकते हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना है 16%। तो हमेशा सीपी और एसपी में ही प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है। अब कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट इज ₹48, अब जो है प्रॉफिट दे दिया कि कितना है, यहाँ ऊपर लिख लीजिए प्रॉफिट दे दिया है कितना, प्रॉफिट इज इक्वल टू दे दिया है 48। तो ये भी क्या होगा, इसी सीपी और एसपी में ही प्रॉफिट होगा ना। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी में से जब सीपी माइनस करते हैं तभी प्रॉफिट निकलता है। तो ये चीज हो गई, तो हमने पूरा ये डायग्राम पे दिखा दिया। अब पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, पहले बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्या है कॉस्ट प्राइस, और व्हाट इज मार्क्ड प्राइस, व्हाट इज एमपी, एमपी क्या है, एंड द प्राइस एट विच द पेयर वाज इवेंचुअली बॉट, और वह प्राइस बताइए जिसपे जो इयरिंग्स थी, जो पेयर ऑफ इयरिंग्स थी उनको कितने रुपए में खरीदा गया, मतलब वही एसपी पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं हम इसको। तो सीपी पूछा है, एमपी पूछा है, एसपी पूछा है, तो पहले मान लेंगे सीपी जो है एक्स रुपीज, ठीक है। तो लेट सीपी बी सीपी ऑफ द इयरिंग्स, सीपी ऑफ the pair of the pair of earrings be x rupees, ठीक है। हमने मान लिया कि इसका CP जो है x rupees है। अब बताइए x rupees जो मान लिया, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है 48, तो सिंस ये गिवन है हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो रहा है 48 rupees हो रहा है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा प्रॉफिट परसेंट का, और वो फार्मूला आपका ये है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है सॉरी यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपान जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं अपान सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपान सी पी इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए तीन क्वांटिटीज हैं, प्रॉफिट है सॉरी प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट है और सीपी है। इन तीनों में से कोई भी दो पता रहेगा तो तीसरा फाइंड हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन में ऐसा ही तो होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में प्रॉफिट परसेंट पता आपको है कितना 16%, और प्रॉफिट भी पता है 48 यहाँ पर रुपीज़। तो बताइए सीपी कितना होगा, तो सीपी निकल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ से प्रॉफिट इक्वल टू 48 मैंने लिख लिया, और ये भी पता है कि प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है हमें, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, फॉर्मूला हम ये लिख देंगे यहाँ पर। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना होगा उतना अपान सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पर तीन चीज़ों में से दो चीज पता हमें है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 16 है, तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज की जगह पे लिखे हुए लिखेंगे 16, ठीक है, परसेंटेज मत लगाइएगा यहाँ पर नहीं तो गलत हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट की जगह 16 हो गया। प्रॉफिट की जगह पर क्या है 48 rupees हो गया, यहाँ लिख लेंगे 48 अपान सीपी कितना है, सीपी हमने एक्स माना है इंटू 100,
अब यहाँ पर एक्स बराबर इधर निकलेंगे, 16 इधर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 16x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 16 से, एक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ मिल जाएगा 4800। इट इम्प्लाइज यहाँ से आगे सॉल्व कर लीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा 4800 अपान 16, तो 16 में जा 16, 16 3 जा 48 होता है, तो ये 300 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 300, 300 रुपीज़। तो ये जो आया ना 300 रुपीज़, वही आ गया आपका एक्स की वैल्यू। तो जो एक्स क्या माने थे हमने, हमने माना था सीपी, तो पहला आंसर आ चुका है हमारा, तो लिख सकते हैं सो यर सीपी इज इक्वल टू 300 रुपीज़, ये आपका पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, पहला आंसर है, यहाँ पर तीन आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में, तो दूसरा निकालना हमें है एस पी। तो हम जानते हैं यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एस पी निकल जाएगा आराम से, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 48, इसको 40 मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो लिखिए, तो प्रॉफिट बराबर होता है हमें क्या, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या एस पी, तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सी पी को यदि ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो मिल जाएगा आपको प्रॉफिट प्लस सी पी, ये सी पी जाकर इधर ऐड हो जाएगा, तो इतना मिल जाएगा। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपका है 48 रुपीज़, तो यहाँ लिख लेंगे 48 प्लस सी पी कितना है, सी पी आपका 300 है, फाइनली आ जाएगा 348 रुपीज़। ये आपका हो गया एस पी, जो कि सेकेंड आंसर है, आंसर नंबर सेकेंड। अब निकालना है आपको कितने में बेचा गया, मतलब एस पी निकालना है, तो एस पी, अब हमें फार्मूला पता है कि एस पी जब पता हो, एम पी पता हो और डिस्काउंट परसेंट पता हो, तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन से हम एस पी फाइंड करेंगे। फाइनली यहाँ लिख लेंगे फाइनली, फाइनली एस पी बराबर ये फॉर्मूला होता है, एम पी मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस करते हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहाँ पर एम पी कितना है, एम पी हमने फाइंड किया, अच्छा नहीं फाइंड किया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एम पी आपको निकालना है ना, फार्मूला को थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा, और एम पी निकालने के लिए आपको इधर ये जो इधर का जो एक्सप्रेशन है इसको रिसिपोल करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं दोबारा इस तरीके से, इट इम्प्लाइज एम पी इज इक्वल टू, क्योंकि हमें निकालना है एम पी, एस पी तो निकल चुका है, एम पी निकालने के लिए हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा एस पी मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान, ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, आप ये दोनों फार्मूले जानते हैं, या तो ये लगाइए या फिर ये लगाइए, ये दोनों फार्मूले आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पर एम पी निकालना है आपको, इम्प्लाइज एम पी बराबर हो जाएगा, एस पी कितना है, एस पी आपका यहाँ निकाले हैं 348, तो यहाँ लिख लेंगे 348 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 348 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे होगा 100 अपान, ये हो जाएगा 75, तो 25 3 जा क्या होता है 75 होता है, 25 4 जा क्या होता है 100 होता है, 3 1 जा 3 और यहाँ कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 बचा 18 हो गया, 3 9 जा सॉरी 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 6 जा 24 का 4 2 करिए 1 4 1 जा 4 एंड 2 6 एंड 4 1 जा 4, तो 464 रुपीज़ हो जाएगा ये आपका एम पी। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं, पहला आ चुका है सी पी बराबर कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ था एक्स इक्वल टू 300 रुपीज़, तो ये आ गया आपका 300 रुपीज़ पहला आंसर, और दूसरा निकलना था एम पी मार्क्ड प्राइस निकलना था ना, तो मार्क्ड प्राइस यहाँ पर निकला हुआ है, और ये आपका है 464 रुपीज़, और लास्ट है आपका एस पी, एस पी बराबर यहाँ पहले निकल चुका था ये 348 रुपीज़। तो दीज थ्री आर आंसर्स, तो होप कि समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, पहले पहले आपको डायग्राम बनाना ही है, और डायग्राम बनाने के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करके आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।